हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसएन फूड। तो आज गाइस मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मात्र 10 मिनट में बन जाती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे का चीला। आज मैं प्लेन चीला बना रही हूँ गाइस, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए ये एक कटोरी चावल का आटा ले लिया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, छोटी चम्मच से, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। बस गाइज, अब इसमें और कुछ नहीं जाएगा, मात्र 3 चीजों से ये चीला बन के रेडी होगा और बहुत ही टेस्टी चीला बनेगा। अब इसे मिक्स करेंगे और इसका घोल बनाएंगे, बैटर रेडी करेंगे। तो इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए गाइस, बैटर हमारा बन के रेडी हो चुका है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तब हम चीला बना लेते हैं। गाइस, चीला बनाने के लिए तवा गैस पे रख दिया है। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, मिक्स और फैला लेंगे, स्प्रेड करेंगे तेल पे। अब गाइस, ये एक कलछुल ले लिया है, इसमें भर के इसको डालेंगे और अब इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ऐसे गाइस अच्छे से स्प्रेड करते जाएंगे। अब गाइस इसे पकने देंगे, बीच में बिल्कुल भी आप पलटिएगा नहीं, नहीं तो टूट सकता है। एक साइड अच्छे से पकने देंगे, लाल होने देंगे, फिर पलटेंगे। ये देखिए गाइस, एक साइड से चीला हमारा पक चुका है, अब हम पलटेंगे। ये देखिए गाइस, चीला हमारा रेडी हो गया है। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बना है। इसको गाइस एक तो ऐसे जैसे मैंने दिखाया ऑयल डाल के तवे पे ऐसे बना सकते हैं। दूसरा इसका ये तरीका है कि आप जैसे डोसा बनाते हैं तवे पे पानी छिड़क के, वैसे भी आप बिना तेल के भी बना सकते हैं। तो दोनों में से जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप बना सकते हैं इसको, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप किसी भी सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं। ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है गाइस, तो इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।